आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े त्योहार और लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत की। कार्तिक महीने को तो पर्व त्योहारों का माह माना जाता है। दशहरा और दिवाली खत्म होने के बाद बिहार के लोगों को अब शिद्दत से छठ पर्व का इंतजार है। इस पर्व को बिहार में पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है, अर्थात वैसा व्रत जिसमें भोजन तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी पत्नी थी मालिनी, दोनों की कोई संतान न थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलते ही राजा बहुत दुखी हो गया और संतान शोक में उसने आत्महत्या का विचार बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, राजन मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार चुके थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राम राज्य की स्थापना के दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी, भगवान राम और माता सीता ने इस व्रत को किया था, सूर्य देव की आराधना की थी। छठ व्रत का अनुष्ठान 4 दिनों तक चलता है, जिसमें सबसे पहले नहाए खाए होता है। इसमें पहले दिन नहाने और खाने की परंपरा है। व्रती को घर की सफाई कर खुद को शारीरिक और आत्मिक तौर पर पवित्र करना होता है। इस दिन के खाने में कद्दू दाल और अरवा चावल जरूर होता है। दूसरे दिन खरना का समय होता है। खरना में व्यक्ति को पूरे दिन का उपवास रखकर शाम के समय गन्ने का रस या गुड़ में बने चावल की खीर को प्रसाद के रूप में खाया जाता है और लोगों को के बीच वितरित किया जाता है। इस दिन बनी गुड़ की खीर बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होती है। तीसरे दिन शाम का अर्घ्य होता है, जिसमें पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए पूजा की सामग्रियों को लकड़ी के डाले में रखकर घाट पर ले जाया जाता है। शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद घर आकर सारा सामान वैसे ही रख दिया जाता है। इस दिन घाट से आने के बाद रात के समय छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुना जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह का अर्घ्य होता है, यानी कि चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही व्रती घाट पर पहुंचते हैं, उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद घर लौटकर सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रती स्वयं भी ग्रहण करता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस महाव्रत को निष्ठा भाव से विधि पूर्वक संपन्न करता है, वह संतान सुख से कभी अछूता नहीं रहता। इस महाव्रत के फल स्वरूप व्यक्ति को न केवल संतान की प्राप्ति होती है, उसके सारे कष्ट भी समाप्त होते हैं, उसे मनोवांछित फल भी मिलता है। लोक आस्था का महापर्व छठ, जो बिहार का सबसे बड़ा सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक उत्सव है। इस वीडियो में हमने इस पर्व की छोटी सी झलक आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो हम समर्पित करते हैं उन तमाम प्रवासी बिहारियों को जो इस उत्सव पर अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने लोगों से दूर है। अगर आपका भी है कोई अपना जो इस महापर्व पर अपनों से दूर है, तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपके दिल की आवाज़ उन तक पहुँच सके। धन्यवाद।